Today, in this session, we will do revision portion, revision part of chapter number 13, class 8, English main book, that is Caged Bird. Okay? So, this is class 8, English first means main, English main, okay? And you are being taught right now this bird, okay? And the author is, the poetess name is Maya Angelou. Maya Angelou, okay? So, in previous session, I taught you this poem and I explained this line by line. I told you about the poet also, and today in this session we will have a revision class for this poem and about the poet, okay? And after the revision of the poem, we will discuss on question and answer section. So let's begin this. First of all, let me tell you, Maya Angelou was an American poet. She was interested in singing and dancing as well, okay? She was a civil rights activist. Civil rights activist, ye kya hota, what is this? Ye jo hum log normal common people ke liye jo awaaz uthate hain, jo revolt karte hain, unko civil rights activist kaha jata hai. Jaise inhone gender bias pe bhi bahut आवाज़ें उठाई, रेसिज्म को लेके इन्होंने आवाज़ उठाई थी उस वक्त. इन 2014, जस्ट सिक्स इयर्स बैक, शी पास्ड अवे. शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कुकिंग, दैट इज़ वाई शी ऑल्सो रोट सम बुक्स रिलेटेड टू कुकिंग, एंड बुक्स नेम इज हालेलुया. आई यस्टरडे डिस्कस्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड दैट स्पेल्स लाइक हालेलुजा, ओके? बट Hallelujah, The Welcome Table, A Lifetime of Memories with Recipes, 2004, and Great Food All Day Long, Cook Splendidly, Eat Smart in 2010. So these are few years when she wrote these novels. Her cooking book were published, okay? If we talk about, I was talking about Maya Angelou. Okay, please go through the thing in your book, read out the thing, and it will remain in your mind for longer time. If we talk about this Caged Bird poem, this poem is about freedom and liberty, want of freedom and liberty, okay? Okay, so this poem is actually in 5 or 6 paragraphs, and few paragraphs, 2 paragraphs are shows about the free bird, okay? The bird that is free to fly in the sky, and the rest paragraphs are about the bird that is in cage, that is imprisoned. Caged means imprisoned. Cage jo hai wo noun hai, theek hai? Cage is a noun. अगर हम लोग केजड बर्ड अगर बोलेंगे तो यहाँ पर ये केजड जो होगा, इट बिकम्स एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव हो जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब के हिसाब से, ठीक है? ये एडजेक्टिव हो जाता है, जो देखने में तो ये वर्ब लग रहा है, बट इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, ओके? तो ये केजड बर्ड जो है, ये एडजेक्टिव है. केजड अ बर्ड इज नाउन, ठीक है? तो नॉन फाइनेंस के अंदर गत ये पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है, इट मीन्स इम्प्रिजेंड, ओके? तो हम लोग यहाँ पर वैसे तो प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी आज हम लोग इसको जल्द से जल्द बताएंगे और क्वेश्चन आंसर पे भी बात करेंगे. अ फ्री बर्ड लीव्स ऑन द बैक ऑफ द विंड एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज एंड डेयर्स टू क्लाइम द स्काई. ये पहला पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ एक फ्री बर्ड को रेफर कर रहा है, जो हवा के पीठ पर बैठ करके चिड़िया उड़ रही है,
और सूरन को भी छू सकती है. शी डेयर्स टू क्लाइम द स्काई. दिस वॉज द फर्स्ट पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे कि ये बर्ड जो है वो केज के अंदर जो बर्ड है उसकी क्या डिज़ायर होती है. बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन इज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज. हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड सो ही ओपन्स हिज सो टू सिंग. Yesterday I told you all about some tough words and proper explanation. आज हम लोग सिर्फ रिविजन कर रहे हैं तो वो आपको सिर्फ याद आ जाए इसलिए. तो केज के अंदर जो बर्ड है ये अपने गुस्से को बस बार के अंदर ही वो दिखा पा रही है, डल नहीं पा रही है. ऐसा लगता है कि उनके विंग्स जो है उसको क्लिप यानी कि लॉक कर दिया गया है और उनके पाँव जो है लगता है जैसे बेड़ियों में बंधे हुए हैं और सिर्फ वो गान लगा रही है. एक रिक्वेस्ट और गुजारिश कर रही है कि उसे भी फ्री किया जाए. इफ वी टॉक अबाउट थर्ड पैराग्राफ तो उसमें क्या है. द केजेड बर्ड सिंग्स विद अ फियरफुल ट्रिल. ओके, ट्रिल का मतलब होता है हाई पिच्ड साउंड. केज बर्ड में केज के अंदर जो चिड़िया है वो बहुत हाई पिच साउंड से वो गाना गा रही है. Of things unknown but long for still and his tune is heard. और इनके tune जो है बहुत बहुत she is longing, बहुत तमन्ना है उनका कि वो भी बाहर निकले और उड़े खुले आसमान में. उसके tunes जो हैं वो सुनाई दे पा रहे हैं बहुत दूर पहाड़ियों के ऊपर भी. For the caged bird sings of freedom. उसको आज़ादी हासिल करना है इस चिड़िया को इसलिए वो गाना गा रही है. द फ्री बर्ड थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज. जो फ्री बर्ड है ये दूसरी ब्रीज का मतलब होता है हवा. वो हवा के बारे में सोच रही है. एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द सिंग साइन ट्रीज. जो हवा जो है वो पेड़ के पत्तों के बीच से गुजरती हुई निकलती है. एंड द फैट वर्म्स वेयरिंग ऑन द डाउन ब्राइट लॉन एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन. तो ये केज बर्ड जो है वो ऐसा लगता है कि वो खुले आसमान में जा करके अपना नाम लिख देंगी. शी डेयर्स टू क्लेम द स्काई यानी कि आसमान की ऊंचाइयों को छूने की हैसियत रखती है ये जो बर्ड आज़ाद है. लेकिन जो केज के अंदर है वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है बाहर निकलने के लिए आज़ादी लिबर्टी हासिल करने के लिए. बट अ केज बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स. ही इज शैरो शाउट्स ऑन नाइटमेयर स्क्रीम. ऐसा लगता है कि जैसे मानो उसकी परछाई जो है वो चीख रही है. जैसे मानो कोई बुरे सपने में जैसे कोई देख करके चिल्लाता हो वैसे ही. हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड. उसके विंग्स जो हैं वो तो क्लिप कर दिए गए हैं, लॉक कर दिए गए हैं और पाँव जो हैं उसके बंधे हुए हैं. सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग. और बस वो बस चीख के चिल्ला के गाना गा रही है. लास्ट पैराग्राफ. द केज्ड बर्ड sings with a fearful trill of the things unknown. जो चीज़ें वो नहीं जानते उसके बारे में वो गुजारिश कर रही कि वो भी देखे. शी इज़ longing for that to get those things and इसके आने की गुहार लगा रही है. वो आज़ादी हासिल करना चाहती है. तो ये एक शॉर्ट रिविज़न था इस पोएम का कि कैसे एक बर्ड जो आज़ाद है वो उसका क्या सिम्टम लक्षण होता है और एक जो केज में जो बर्ड है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसी वो तमन्ना रख सकती हैं. तो वी टॉक्ड अबाउट दिस इन माय प्रीवियस लेसन आल्सो एंड टुडे आल्सो. सो इफ यू गो थ्रू द पोएम, सी द मीनिंग, सी द वीडियो एंड यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी लाइन एंड ईच एंड एवरी वर्ड. ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन आंसर. तो यहाँ पर हम लोगों के पास A1, A2 और A3 के हिसाब से कुछ क्वेश्चन है. पहले A1 के बारे में बात करें जो हम लोग कल कर चुके थे, लेकिन फिर भी आज एक रिपीटेटिव मोड पर जाएंगे. व्हाट इज द फ्रेज हिज बार्स ऑफ रेज इंप्लाई. हिज बार्स ऑफ रेज का यहाँ पे क्या रेफरेंस है, क्या मतलब है. हिज बार्स ऑफ रेज, रेज का मतलब गुस्सा और बार का मतलब होता है जो वो पिंजड़े में कैद है तो जो स्टील और लोहे के जो रॉड्स लगे हुए हैं बिल्कुल बार. तो यानी कि बहुत गुस्सा तो है लेकिन वो गुस्सा जो है वो उसका केज के अंदर ही बस रह जाता है. शी इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस हर डिज़ायर, एक्सप्रेस हर फीलिंग अदर देन शोइंग हर एंगर. ओके, ओके. सेकेंड,
How has the poetess brought out the theme by juxtaposing the free and the caged bird? तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक वो बर्ड जो केज के अंदर है और एक वो बर्ड जो आज़ाद है केज के बाहर। तो ये दोनों का जो एक अपोजिट और कंट्रास्टिंग चीज़ पोएट ने दिखाया है, उन दोनों चीज़ों को लिख देना है आपको, किस तरीके से एक आज़ाद पंछी जो हवा में उड़ रही है एंड इट डेयर्स टू क्लेम द स्काई, बहुत खूबसूरत लगता है, लगता है हवा की पीठ पर बैठ के वो उड़े जा रही है और ऐसा लगता है कि मानो कि सन रेज जो हैं उसकी जो ऑरेंज कलर है उसमें अपने आप को वो डुबा रही है। ठीक है, नेचर का बहुत खूबसूरत सा एक चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। तो और जो केज में जो बर्ड है वो अपने गुस्से को बस पिंजरे के अंदर दिखा पा रही है और शी इज़ लॉन्गिंग फॉर डिज़ायर टू फ्लाई इन द स्काई फ्रीली। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, जिक्सटपोज कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स आर देयर अबाउट फ्री बर्ड एंड द बर्ड इन द केज, सो यू हैव टू राइट बोथ द थिंग्स। फाइन, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ अ फियरफुल ट्रिल। हम लोग को इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करना है। ट्रिल का मतलब होता है हाई पिच्ड साउंड, फियरफुल मैंने डरावना, जैसे मानो कि बहुत डरी हुई हो केजड बर्ड, इस तरीके से वो she is crying, she is shouting inside the cage, okay, that is fearful trill. Fourth question hai, aur kyun caged bird azadi ko leke gana ga rahi hai, liberty ko leke gana ga rahi hai, kyun? because she longs for that freedom to fly, kyunki uski bhi bahut tamanna hai ki wo azad hokar ek aasman mein, khule aasman mein wo ude, isi ke liye। तो ये चार क्वेश्चन था, इन चारों क्वेश्चन का ये आंसर था। तो इसको आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझकर इसको लिखना है और यू कैन गेट द हेल्प फ्रॉम द वीडियो, यू कैन गेट द हेल्प फ्रॉम गूगल, यू कैन गेट द हेल्प फ्रॉम डिक्शनरी, यू कैन गेट द मीनिंग्स। ठीक है, और इसको पूरा करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, तो सब कुछ सही से आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग A2 की बात करें, A2, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, उसके पैराग्राफ के चार लाइन दिए गए, नहीं ये पूरा पैराग्राफ ही है यहाँ पर, और यहाँ पे उस पैराग्राफ से रिलेटेड तीन क्वेश्चन है। तो पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उस तीनों क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड यू द पैराग्राफ एंड देन आई विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पैराग्राफ। The free bird thinks of another breeze and the trade wind soft through the sighing trees. Sighing ka matlab hota hai to take deep breath. And the fat worms waiting on a dawn, bright lawn, and he names the sky his own. Okay? To ab ye paragraph padhne ke baad hum log iske question answer ko dekhenge. To yahan par diya hai pehla, what is the free bird free to think? अच्छा, ये फ्री बर्ड जो है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या चीज़ के लिए फ्री है, क्या चीज़ के लिए फ्री है? तो फ्री बर्ड यहाँ पर क्या चीज़ सोचने के लिए फ्री है? यही सोचने के लिए कि वो आसमान को भी वो छू सकती है, क्योंकि वो फ्री है। जो आज़ाद होते हैं वो तो कुछ भी करने को, उनकी कोई बंदिश नहीं होती है, दे आर नॉट एट ऑल बॉन्डेड टू डू एनीथिंग, इसलिए वो ये सोचती है कि वो आसमान को भी छू सकती है। बी, तो अगर आंसर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? व्हाट इज द फ्री बर्ड फ्री टू थिंक? द फ्री बर्ड इज फ्री टू थिंक दैट शी कैन WORMS वर्म्स, माने कीड़ा। ठीक है, सी, व्हाट डज द पोएटेस, जो मेल होते हैं पोएट उनको पोएट कहते हैं, और फीमेल पोएट अगर हो तो उनको पोएटेस कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट डज द पोएटेस इम्प्लाई बाय ही नेम्स द स्काई हिज ओन, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे खुले आसमान में वो अपना नाम लिख देगी और वो आसमान उसका है। ठीक है, ही द बर्ड हैज टोटल पोसेशन ओवर द स्काई,
इससे ये imply होता है. The bird has his possession over the sky. This implies by this term he names the sky his own. ठीक है, possession का मतलब होता है अधिकार. तो अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ को भी पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन को भी के भी बारे में बात करेंगे. ठीक है, सेकेंड. But a caged bird stands on the grave of dreams. His shadow shouts on a nightmare's scream. His wings are clipped and his feet are tied. So he opens his throat to sing. ये जो लाइन है, हम लोग इसके बारे में अगर बात करें तो ये क्या है? ये है, What does the phrase the grave of dreams imply? ये ग्रेव ऑफ ड्रीम्स का मतलब क्या होता है? ग्रेव ऑफ ड्रीम्स का मतलब होता है वो सपने, केजेड बर्ड के वो सपने जो दफन हो गए हैं कब्र में. उसके जो सपने हैं बस वो सपने ही देख सकते हैं वो, माने इट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू रियल. ओके, वो बस ऐसे ही वर्चुअल ही शायद रह जाएगा. तो वो उसके सपने जो हैं दैट इज बरीड इन द ग्रेव, इसे ये इम्प्लाई होता है. ठीक है, बी. What do you think a caged bird can't do with his wings clipped? अगर एक चिड़िया जो है caged bird में अगर उसके wings clipped कर दिए गए हों, lock कर दिए गए, तो वो क्या नहीं कर सकता? वो उड़ नहीं सकता. It can't fly. It cannot come out of the cage. See. What does he start singing? वो क्या गाना गाना शुरू करता है? He sings a lamenting song. Lamenting, okay? I'm writing. Excuse me. विलाप करते हुए, यानी कि रोते हुए. ठीक है, तो ये था हम लोग का सेकेंड पैराग्राफ का तीन क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, अब हम लोग अगर बातें करें A3 के बारे में, तो यहां पर दिया है हम लोग के पास, Who do you think the free bird and the caged bird represents? Free bird और caged bird ये किसको represent करता है? ये तो symbolic है, जैसा हमने बताया था Maya Angelou का motive ये है इस poem के through, वो आज़ादी को वो एक supreme desire मानती है, freedom को, liberty को, she considers it to be her supreme desire, और किसी का भी, वो उनका नहीं किसी का भी, हमारा आपका किसी का भी हो सकता है. तो फ्री बर्ड और केजेड बर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? तो फ्री बर्ड वो है जो आज़ाद हैं, केजेड बर्ड वो है जो इम्प्रिजेंड हैं, जो कैद में हैं. अब कैद में ऐसा नहीं कि जो कैद में जेल में, जो जेल कैदी रहते हैं बस वही, कैद में वो भी हैं जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है हम लोग के यहाँ हिंदुस्तान में. और हिंदुस्तान में अगर जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे तो अब ऐसी बंदिशें नहीं हैं, लेकिन जो कंट्री साइड है, कंट्री साइड का मतलब होता है गांव का एरिया जो है, वहाँ पे अभी भी महिलाएं जो हैं फीमेल्स आर केजड इम्प्रिजेंड, उनको स्कूल पढ़ने जाने के लिए परमिशन नहीं मिलती है, कॉलेज परमिशन नहीं मिलती, यानी कि बाहर अगर रहने का वो लोग सोचे अगर कि पढ़ के तैयारी करके कोई बैंक और इसमें सर्विस करें तो नहीं मिलती है. बहुत कम अभी शुरुआत हुआ है, बहुत कम लोगों से शुरुआत हो चुका है, लेकिन बहुत रेशियो में कम है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को, लड़कियों को अलाउ करते हैं बाहर पढ़ने के लिए, जाने के लिए, नौकरी करने के लिए. ऐसे अभी कम पेरेंट्स हैं, कंट्री साइड में अभी ये सब अलाउड नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए. तो केजेड बर्ड वो है फ्री बर्ड जो ब्रेकिंग ऑल द स्टीरियोटाइप्स, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, एनी सॉर्ट ऑफ जॉब, तो उसको फ्री बर्ड कहते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, स्टीरियोटाइप हमने एक वर्ड यूज किया, स्टीरियोटाइप हाइफन भी दे दिया. स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप एक्चुअली एक मेंटेलिटी होती है जो पुराना ख्यालात, ऐसा नहीं ऐसा नहीं किसी पुराने ख्यालात रखने वाले स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप कहने का मतलब एक ऐसी मेंटेलिटी जो चेंज करने का नाम ही ना ले, वो एक ही एक स्केड्यूल पे चलते रहना, नया कुछ करने का ना सोचना, और
पुराना भी ख्यालात इसमें अटैच किया जा सकता है। ऑर्थोडॉक्स हम लोग यहाँ पे इसके सिनोनिम्स में यूज़ कर सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी। तो स्टीरियोटाइप एक मेंटेलिटी होता है, तो ब्रेकिंग ऑल द स्टीरियोटाइप, जो पुराना कल्चर चलता आ रहा था उसको तोड़ करके अगर कोई अगर सोचता है कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो उसको कहते हैं ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप। तो जो लोग स्टीरियोटिपिकल लोग होते हैं वो केजेड बर्ड हम लोग उसको कहेंगे। दूसरा, जस्ट लिविंग इज नॉट इनफ, जिंदा रहना ही महज ये कोई जिंदगी नहीं है। वन मस्ट हैव सनशाइन, एक आदमी को सूरज की तरह उसकी ग्लोरी होनी चाहिए, गर्म टू एक्सप्रेस, ठीक है, फ्रीडम एंड अ लिटिल फ्लावर, ओके, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, ये इन्होंने कहा है। जस्ट लिविंग इज नॉट एनफ, वन मस्ट हैव सनशाइन, फ्रीडम एंड अ लिटिल फ्लावर। तो कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा। इट्स अ स्टेटमेंट जहाँ पर इसका मीनिंग होगा, जस्ट लिविंग इज नॉट एनफ, जिंदा रहना ही महज जिंदगी नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो सूरज की तरह चमकना सीखो, आज़ाद होने की कोशिश करो। इसको थोड़ा हम लोग इसके ऊपर अगर प्रकाश डालें इन हिंदी, इफ आई से कुछ अगर लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, बहुत सारा चीज़ इसमें हम लोग डाल सकते हैं। जिंदा तो बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन उस जिंदा रहने वालों में जिनका जो नाम है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लीडर्स, महात्मा गांधी, अगर हम लोग थोड़ा रेडिकल्स में जाएं तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अगर थोड़ा नॉर्मल लीडर्स में जाएं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार लिंकन हैं, बहुत सारे लोग हैं। इन्होंने इतना खूबसूरत काम किया है अपनी ज़िंदगी में, जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अपनी ज़िंदगी में अगर उसको हम लोग इंस्पायर होकर उस पर फॉलो अप करें उस चीज़ को, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो जिंदा रहना ही महज ज़िंदगी नहीं है, कुछ ट्राई टू डू समथिंग न्यू, समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो इन लोगों ने किया, समथिंग आउट ऑफ कॉमन, इफ़ यू वॉन्ट टू बी अनकॉमन लाइक दीज मैन। हम लोग तो कॉमन लोग हैं, कॉमन लोग का नाम तो किसी को याद नहीं होता है ऐसे, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम एन अनकॉमन ह्यूमन बींग, अनकॉमन ऐसा नहीं कि किसी नेगेटिव चीज़ में जाना है, पॉजिटिवली, जैसा मैंने अभी बहुत सारा नाम लिया, साइंटिस्ट्स का, लीडर्स का, फाइटर्स का। तो अगर ऐसा हम लोग करें तो हम लोग का नाम ज़्यादा होगा। ग्लोरी अगर अपने आप में लाना है सन के तरह, तो हम लोग को कुछ ऐसा बनना पड़ेगा। आप अगर पढ़ते हैं तो इतना अच्छा पढ़ें कि आप बहुत अच्छी नौकरी पा सकें, वो भी आपके लिए एक बहुत सनशाइन होगा, आपके लिए, आपके लिए गरिमामय चीज़ होगा, ग्लोरीफाइंग चीज़ होगा। ऐसा नहीं कि बस लीडर और साइंटिस्ट जो बनते हैं वैसा ही, वो नहीं, आप अपनी पढ़ाई के फील्ड में भी, क्रिकेट के फील्ड में, बैडमिंटन के फील्ड में, सिंगिंग डांसिंग के फील्ड में, यू कैन ग्लोरीफाई योर सेल्फ। सो तो ये तो हम लोग क्वेश्चन आंसर पर भी बात कर लिए हैं, पोएम भी कर लिए हैं। ओके फाइन, वी विल सी कौन सा क्वेश्चन इसमें वर्थ डूइंग है, करने लायक है, तो हम लोग उसका आंसर वो हम लोग बोर्ड पे ही करा देंगे और बच्चे उसको लिख सकते हैं, ले सकते हैं वीडियो के थ्रू। सो इट्स ऑल एनफ फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।